कांगड़ा की चाय जहां देश व विदेश में इसकी सबसे अधिक मांग है, लेकिन सीजन के इस दौर के दौरान भी चाय की पत्तियों की तुड़वाई के लिए एक दशक से धर्मशाला में मजदूर नहीं मिल रहे हैं। आलम यह है कि धर्मशाला स्थित चाय बागानों में पत्ती तुड़वाने के लिए पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से मजदूर बुलाए जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी क्षेत्र में चाय के बहुत ज्यादा बागान हैं, ऐसे में उन्हें इस कार्य का खासा अनुभव भी है। यही वजह है कि धर्मशाला के चाय बागान मालिक वेस्ट बंगाल से संपर्क कर 120 के लगभग मजदूरों को यहां बुलाया गया है। इन मजदूरों में 70 से अधिक मजदूर साल भर से यहां काम कर रहे हैं, जबकि शेष सीजन के उपरांत चले जाते हैं, जिन्हें सीजन के दौरान चाय की पत्तियां तुड़वाने के लिए चाय फैक्ट्री के संचालकों द्वारा बुलाया जाता है। चाय बागान मालिकों की माने तो जब से मनरेगा शुरू हुई है, तब से स्थानीय स्तर पर मजदूर चाय की पत्तियों की तुड़वाई के लिए नहीं मिल रहे हैं। लोगों को अपने घर पे ही मनरेगा के काम मिलने से चाय तुड़वाई के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। चाय की पत्तियों की तुड़वाई का कार्य मौसम पर निर्भर करता है। इस मर्तबा धर्मशाला के चाय बागानों में पत्तियों के तोड़ने का कार्य 15 से 20 मार्च के मध्य शुरू होने की संभावना है, जिसके लिए धर्मशाला स्थित चाय बागान मालिकों ने वेस्ट बंगाल से मजदूरों को बुला रखा है। आपको बता दें कि लोकल मजदूर नहीं मिलने के चलते वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी से मजदूर यहां बुलाए जा रहे हैं, क्योंकि वहां का क्षेत्र चाय बागवानों का क्षेत्र है और 120 के लगभग मजदूरों की यहां जरूरत रहती है, जिनके लिए 70 मजदूर साल भर यहां काम करते हैं और 50 को वापस कर दिया जाता है। चाय फैक्ट्री धर्मशाला के मैनेजर अमनपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार 15 मार्च के बाद ही चाय पत्ती तुड़वाई का काम शुरू किया जाएगा। 10 से 12 सालों में मजदूरों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। मनरेगा के तहत काम गांव में मिलने की वजह से भी लोग अब काम को कम आ रहे हैं। थाची कॉलेज के भवन निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने एडीसी को एक ज्ञापन सौंपा। इस मामले को लेकर एकता स्वयं सहायता समूह की सचिव संकुतला देवी का कहना है कि थाची कॉलेज भवन का निर्माण कार्य लंबे अरसे से लटका है। निर्माण कार्य पंचायत द्वारा स्थानांतरित की गई करीब 10 बीघा जमीन तथा जनता व राजस्व विभाग के सहयोग से जो कुल 41 बीघा रकबा शिक्षा विभाग के नाम पर कर दी गई है। रकबा एक ही स्थान पर थाची में चयन किया गया है। इसके दस्तावेज उपायुक्त कार्यालय में प्रधान ग्राम पंचायत थाची की अध्यक्षता में गत 21 जनवरी 2019 को जमा किए गए हैं। कुछ लोग भवन का निर्माण चयनित जगह पर ना करके दूसरी जगह खणीदार पर करना चाहते हैं, जहां पर हजारों की संख्या में पेड़ों का कटान होगा। उन्होंने कहा कि हम स्थान बदलने का कड़ा विरोध करते हैं। ग्रामीणों ने उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर से आग्रह किया है कि इस भवन का निर्माण पंचायत व ग्राम सभा द्वारा चयनित जगह पर ही किया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि हमारी ये मांग नहीं मानी गई तो आम जनता को लामबंद कर आंदोलन करेंगे। ज्ञापन के दौरान ग्राम विकास कमेटी जहले देवता कॉलोनी प्रधान घुमत राम, एकता स्वयं सहायता समूह सचिव माकपा लोकल कमेटी सिराज की सदस्य संकुतला देवी, SFI मंडी जिला सचिव रोहित ठाकुर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मीडिया प्रभारी थाची कॉलेज गीतानंद, रेशमा देवी, टिलगी राम इत्यादि मौजूद रहे।